जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के जिला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी सरकारी भवन और कार्यालय जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सोमवार को निर्णय लेने के बाद जारी किया। इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के DC/SP को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके तुरंत बाद डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों के अधीक्षकों से अगले 15 दिन के भीतर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के संबंध में उपराज्यपाल के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी सरकारी विभागों के HOD से 15 दिनों के भीतर भारतीय ध्वज कोड के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।